नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल मराना में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक और बहुत बड़ी वैकेंसी का अपडेट लेकर आया हूं, जिसमें टोटल 2500 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एनसीएल रिक्रूटमेंट की ओर से निकाली गई भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की ओर से लगभग 2500 के आसपास पद निकाले गए, जिसमें वे सभी उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे जिन लोगों ने अपनी 10वीं पास कर लिया। इसके साथ ही साथ आईटीआई यदि आप लोगों के पास है तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आईटीआई से इसमें काफी सारे पद निकाले गए हैं। तो आइए पूरी जान लेते हैं इस पूरी योग्यता के बारे में, क्या क्या इसमें योग्यता मांगेगी, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या है आपके लिए इस वैकेंसी में खास, क्या आप लोगों को इसके बाद पोस्ट मिलने वाली, इन संपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। साथ में यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और आपसे गुजारिश होगा कि प्लीज एक चैनल को वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि एनसीएल रिक्रूटमेंट जो कि आपकी 2482 यानी कि लगभग 2500 पदों पर वैकेंसीज निकाली गई है, इसका मतलब नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड मध्य प्रदेश और यूपी में ये सारे पद निकाले गए हैं। इसके लिए आप लोगों को जो वैकेंसीज के लिए आप लोगों का सिलेक्शन होगा वो अप्रेंटिस के पद होंगे, यानी कि 10वीं और आईटीआई यदि आप लोगों के पास है तो आप लोग 2482 अप्रेंटिस के पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए 10 जून को इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया था, आज यानी कि 12 जून हो चुकी है, कल से इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 10 जुलाई 2019, पूरा एक महीना है आप लोगों के पास, आराम से वैकेंसी की जानकारी लेके फॉर्म के लिए अप्लाई कर दीजिए। आगे बात करें आयु सीमा की, तो 16 से लेकर 24 साल तक की आयु सीमा रखी गई है। यदि आप लोग 16 से 24 साल के बीच में आते हैं तो आप समझ लीजिए कि इस बार आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं और इसमें आपका सिलेक्शन भी जरूर हो जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो केवल उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश आधारित संस्थानों में आईटीआई परीक्षा उत्तीर्ण की तर्ज पर कैंडिडेट को सिलेक्शन कराया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा। डायरेक्ट आप लोगों की डिग्रियों, यहाँ पे 10th की मार्कशीट और आईटीआई सर्टिफिकेट के आधार पर ही आप लोगों की ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए नीचे लिंक दी हुई है एनसीएल रिक्रूटमेंट की, जो कि आपको सभी महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, जैसे ही आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाली लिंक पर क्लिक करेंगे तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आप लोग एनसीएल यानी कि नॉर्दर्न कोल जो आपकी लिमिटेड वैकेंसीज है, पूरी वैकेंसीज की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की वैकेंसीज की डिटेल्स दे रखी हैं, कौन से विभाग में कितनी वैकेंसीज दी गई हैं, कौन कौन सी विभाग में क्या योग्यता मांगी गई है, सभी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएंगी। अप्लाई करने के लिए भी आप लोगों को सभी जानकारी दी है, कैसे अप्लाई करना है, यानी कि फॉर्म की वैकेंसी से संबंधित सभी प्रकार की डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आइए एक बार आपको अप्लाई करने की जो लिंक है वो भी दिखा देते हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई करने के लिंक पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको अपनी बेसिक जानकारी को फिलअप करना होगा। बेसिक जानकारी जैसे कि आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, नेम, पात्र फिदा का नाम, आप लोगों के आधार कार्ड, कैटेगरी आपकी, जेंडर आपका, जो भी आपकी जानकारी वो डालेंगे। फिर आपका अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स को यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर भरनी होगी, जो भी अकेडमिक क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको 10-12 बीएससी आपने जो भी अधिकतम कर रखी है वो भरनी होगी, और जो भी अधिकतम डिग्री यहाँ पे भरेंगे उसी डिग्री की आप लोगों को स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी होगी। यहाँ पे आपके मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, ओवरऑल परसेंटेज भरने के बाद आप लोगों को नीचे टेक्निकल क्वालिफिकेशन फिलअप करनी है, और यहाँ पे आप लोगों को अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई भी सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र चाहे 10वीं की मार्कशीट भी आप लोग संलग्न कर सकते हैं। और फाइनली इस बटन से सबमिट करके आप लोगों का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप सब बात करेंगे, ये तो हो गया फॉर्म भरने की जानकारी। तो इसमें आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जा रही है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों का ये फॉर्म भरा जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी वैकेंसीज निकाली गई है एनसीएल रिक्रूटमेंट 2019 की ओर से मध्य प्रदेश राज्य और यूपी राज्य के उम्मीदवारों के लिए। तो यदि आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना चाहें तो जरूर फॉर्म भरिए, बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, इस बार आप लोगों का इसमें सिलेक्शन जरूर हो जाएगा।